घर में छिन गई डिजाइनर वार्डरोब की चाबी। और हाथ में आ गई ये सिलाई मशीन। अब तक किसी लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक सिलाई मशीन से कपड़े सिलकर गौरी कितने लोगों का पेट भरेगी? अपने पति का, अपने देवर का, अपने सास ससुर का या फिर अपने पूरे परिवार का? ये है ओबेरॉय फैमिली की गरीबी के दिनों का संघर्ष और टॉर्चर। मतलब हद हो गई। करोड़ों में खेलने वाले ओबेरॉय ब्रदर्स अपनी आधी प्रॉपर्टी गवाकर इतने गरीब हो गए कि उन्हें श्वेतलाना के टुकड़ों पर पलना पड़ रहा है। और अब तो श्वेतलाना ने गौरी को सिलाई मशीन गिफ्ट कर उसे सिलाई के काम पर भी लगा दिया है। गौरी को नीचा दिखा रही है। हाँ, वो सबको नीचा दिखा रही है। वो शिवाय सिंह ओबेरॉय को भी नीचा दिखा सकती है। वो वैसी है, तो वो खुद नीची औरत है, तो वो इंसल्ट कर रही है सबके सामने। वैसे गौरी का बच्चे तो एक झाप है उसको सटा दे दीवार पे, पर उसको मुंह नहीं लगाना चाहती, इसलिए एक लाइन में उसको जवाब दे देती है। दरअसल श्वेतलाना शिवाय सिंह ओबेरॉय को ब्लैकमेल कर बन गई है ओबेरॉय मेंशन की नई मालकिन। इसलिए घर के लोगों को काम करने को बोल रही है ताकि वो अपना गुजारा कर सके। और जाहिर है ऐसे में उसका पहला टारगेट गौरी ही होगी। अभी उसने एनजीओ की औरतों को बुलाया है स्विंग मशीन के साथ, क्योंकि अब जैसे कि आप जानते हैं कि 50 शेयर्स मेरे हो चुके हैं, अब सारा उनका माल मेरे पास आ चुका है, तो उनके पास सर्वाइवल के लिए कुछ है नहीं। तो मैं गौरी को बोलती हूँ कि अब वो ब्लाउजेज बनाए, पेटीकोट सिले, ताकि वो अपना घर चला सके। श्वेतलाना ने एनजीओ की औरतों को बुलाकर गौरी को सिलाई मशीन तो दे दी और साथ में उसके साथ सेल्फी भी ले ली। लेकिन गौरी ने अपनी इस बेइज्जती को भी शंकर जी का आशीर्वाद समझकर इस मशीन में सिलाई करने का फैसला कर डाला। वैसे गौरी की इस बेइज्जती का बदला अनिका ने अपनी तेज जबान से दे दिया। बस एक घटिया मुंह से निकाला। हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू से ऐसे बात करने की? अनिका आई और बहुत कुछ सुनाया और मैंने भी उसे बता दिया कि जो कुछ भी हो रहा है भाई वो तुम्हारे पति की वजह से ही हो रहा है, और अगर गौरी प्रॉब्लम में फंसी है तो इट्स बिकॉज ऑफ अनिकाज हस्बैंड। तो चुप करा दिया मैंने उसे वहाँ पर। वैसे मुसीबत की इस घड़ी में गौरी के साथ उसका पूरा परिवार उसके साथ है और अनिका गौरी को गले लगाकर उसका हौसला बढ़ा रही है। तो देखना ये है कि ओबेरॉय फैमिली कितने दिनों के बाद फिर से अमीर बनती है। लतिका पंडित, मुंबई, आज तक।